अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज का जो हमारा व्लॉग है, अभी मैंने जो पिछला व्लॉग डाला वो मैंने डाला था जावा की एवरेज के बारे में। आपने देखा होगा वो, यानी कि जो एक तरह से जिसको कहना चाहिए परफेक्ट एवरेज जिस तरह की होती है, वो मैंने आपको एक पूरा एक सिस्टम दिखा दिया। यानी कि वो भांजे का मेरा सिस्टम था, उसने बनाया है नया नया और बड़ा सोच समझ के, बड़ा सर्वे करके, बहुत अच्छे तरीके से परिंदों को यानी कि रखने के लिए जगह बनाई है। तो व्यूवर्स, ये तो जावा के लिए पिछला व्लॉग जो था। अब एक चीज़ और है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जावा को यूँ समझ लें कि एक एंटी एक सोच है कि जावा नहीं लगाना चाहिए। तो कुछ लोग के, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जावा में नए आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जावा को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया और जावा में जैसा वो रिज़ल्ट चाहते थे वैसा रिज़ल्ट नहीं आया, लोगों को नुकसान भी हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जावा को खैर बात कह रहे हैं, तो आज उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि देखें जो जो भी लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि यार वो सोच समझ के आएँ, उनको पता हो, कल को ऐसा नहीं होगा यार वो बोलें हमें तो फलां बंदे ने यार चढ़ा दिया था, हम उसकी बातों में आके ले आए, अभी तो अभी फंसे पड़े हैं यार, ये तो ना बिकने में आ रहा है और जैसा हम चाह रहे थे वैसी ब्रीड भी नहीं कर रहा। तो हर चीज़ बंदे को नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों साइडें पता होनी चाहिए। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो जावा के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको पता हो कि यार जावा के अंदर मसाइल क्या आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें देखें बीमारियों के हवाले से देखें तो जावा के अंदर बीमारियाँ कुछ खास नहीं आती। ठीक है, जावा जो है, जो इसकी बेसिक बीमारी है वो तो है इसकी फंगस की बीमारी, इसकी चोंच पे और नीचे और आँखों तलक वो फंगस बढ़ जाती है। वो अमूमन आती है सर्दियों में और वो आती है सूरत में कि जब जावा को आप नहाने का पानी कम देते हैं तो उस सूरत में आती है। अगर आप वो उससे, यानी कि मैंने देखा है कि बर्ड मरता नहीं है जल्दी जल्दी से, वो आँखों तक फैल जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर एक अलहदा बात है, उससे दाना भी ना खाया जाए वो एक अलहदा बात है, क्योंकि चोंच को और आँखों तक इफ़ेक्ट कर जाती है वो, तब नुकसान हो सकता है, अदरवाइज़ उस तरह नुकसान नहीं होता। एक दूसरी बीमारी है जावा के अंदर जो यूँ समझ लें कि एक बड़ा रीज़न है लोगों को जावा बर्ड से छोड़ने में, छोड़ने की जो एक बड़ी वजह है वो दूसरी बीमारी, ठीक है, वो बीमारी इसके आती है चिक्स के अंदर। और वो चिक्स में भी उस वक्त आती है जब चिक्स सेल्फ हो रहे होते हैं, यानी कि वो पल जाते हैं अच्छे तरीके से, मटकियों में बाहर निकल जाते हैं, जब तक तो लोग अपने माँ बाप से दाना लेते रहते हैं ठीक है, लेकिन जब वो खुद से खाना शुरू होते हैं, दाना उठाना शुरू होते हैं, उस वक़्त में आके इसके चिक्स मरते हैं। ये एक बड़ा मसला है जावा के अंदर इस वक्त, यानी कि जो मैं समझता हूँ जावा का रेट मेंटेन है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि इसके चिक्स जो हैं वो मरते हैं, इसकी ब्रीड इतनी अच्छी नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा ही हो रहा है। ठीक है ना, कुछ लोग हैं ऐसे भी जिनके पास ये मसला नहीं है, और उसका एक बड़ा रीज़न वही है कि उनका सेटअप परफेक्ट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया, इस तरह का एक वजह यानी कि उसमें से ये भी है। मसला क्या होता है, चिक्स जब यूँ समझ लें कि अब आपको अगर इस तरह का सेटअप बनाना है तो सबसे बेहतर तो ये होता है कि जैसे आपने चार खाने वाला केज लिया और इसको आपने केज सेटअप में लगाया, तो ये मसला नहीं आता, क्योंकि इसमें ट्रे होती है, ट्रे के ऊपर जाली होती है, मतलब कोई दाना गिरेगा, ख़राब होगा, बीठे वगैरह, वो परिंदा नहीं उठा सकता, क्योंकि वो जाली से नीचे चला जाता है, ट्रे तो नीचे रखी हुई है, जो खाने वाले किए जाते हैं उनमें ऐसा होता है। ठीक है ना, कि दोनों खानों के बीच में ट्रे होती है, जब ट्रे को निकालते हैं तो वो अलहदा ही निकल आती है, और कुछ में ऐसा भी होता है कि ट्रे के ऊपर ही परिंदे बैठ रहे होते हैं, वो वाला नहीं, जिसमें बीच में अलहदा से यानी कि ट्रे रखने की जगह होती है वो वाले केज सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें दाना गंदा उठा नहीं सकते बच्चे। ठीक है, एक तो ये रीज़न है कि बच्चों को इस चीज़ से बचाया है। असल में जब ये यूँ समझ लें सेल्फ हो रहे होते हैं ना, उन दिनों में ये जो इसके बच्चे होते हैं, ये इनको दाने वगैरह की इतनी तमीज़ नहीं होती कि क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी। ठीक है ना, माँ बाप इनको दाना ज़्यादा भराते नहीं, क्योंकि वो दोबारा अंडों पर आ रहे होते हैं, और ये फिर उन दिनों में ये दूसरे, अगर एवरी के अंदर है तो दूसरे परिंदों से पिट भी रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी से दाना मांगते हैं और वो नहीं देते तो वो फिर मारते भी हैं इनको, ये दाने के नज़दीक भी नहीं आने देते। अब उस सूरत में ये गंदा दाना नीचे जो पड़ा होता है वो खाते हैं, अगर तो उस केज में लगे हैं उस तरह के, तो फिर तो ये मसला हो नहीं सकता, वो दाना साफ ही खाएँगे, उनकी मजबूरी है। ठीक है, और जगह भी छोटी होती है, एवरी के अंदर जगह बड़ी होती है, एक ये रीज़न है इनके मरने का, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम होती है दाने की वजह से, इनके गले के अंदर फंगस वो दाने हो जाते हैं और इनकी आंतें भी ख़राब हो जाती हैं। उसमें होता ये कि एक दो दिन तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि परिंदों को कुछ हो गया है, जब यानी कि उसका इलाज का टाइम होता है ना,
उस टाइम तक आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी कि जिस टाइम उसको रिकवर किया जा सकता है। अब पता आपको जब चलता है, जब 3-4 दिन गुजर चुके होते हैं, उसका दाना, उसका गला इतना ख़राब हो चुका होता है कि वो दाना छोड़े हुए उसको 2-3 दिन हो जाते हैं, और वो बस अब उस लेवल पे होता है कि वो 1-2 दिन के बाद मर जाना है उसने, ठीक है ना। वो जब हाथ में लेंगे तो वो बर्ड बिल्कुल हल्का हो चुका होगा, आपको लगेगा सीप में आ गया। ये आमतौर पर लोग समझते हैं कि यार वो सीप में आ गया, लेकिन होता ये है कि वो सीप में नहीं आता, उसको वो गले की जो बीमारी है, और गले और आंतों की बीमारी हो जाती है, गले में आंतों में इनके इन्फेक्शन हो जाती है। वो एक तरह से यूँ समझ लें कि मेरे साथ पिछले साल ये मसला बहुत हुआ, ठीक है ना, और बड़ा कुछ उसमें यूँ समझ लें कि मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ लगाई। शुरू शुरू की जो मेरी वीडियोज़ हैं जावा के मुतालिक, उसके अंदर मैंने बताया भी, मैंने पेनाडोल लगाई, फ्लैजल लगाई, और कई एक बंदों ने सीरप वगैरह बताया वो लगा लें वो लगा लें। आखिर एक दवाई हम लेकर आए, एमांटाफ्लॉक्सिन, काफ़ी महंगी दवाई थी, गालिबा 4,000 रुपये की मेरे ख्याल में वो 1 लीटर की बोतल थी इतनी बड़ी, वो देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको लगा दूँगा साइड में ना, वो लेकर आए। महंगी दवाई है और ख़ास तौर पर बर्ड्स के लिए बनी हुई है, वो भी लगाई। लेकिन भाई जिसको कहते हैं कि बचत, शायद इस नौयत की बचत हो जाती थी कि कोई बर्ड बीमार हुआ हुआ हमें पता नहीं चला, उसको वो दवाई लग गई तो फिर ठीक है। तो फिर हमने तरतीब भी यह बना ली कि जिन दिनों में ब्रीड हमारी निकल रही होती थी, हम उन दिनों में 3 दिन वो दवाई, 4 दिन वो दवाई चला देते थे, यानी कि हमें पता हो यार हमारे पास ब्रीड आई हुई है, तो हम इस तरीके से चलाते रहते थे। बहरहाल ये था एक रूटीन बना ली थी कि महीने में हर 15 दिन के बाद हमने 3 दिन वो दवाई चला देनी है, यानी कि 15-15 दिन की गैप से हम चला रहे थे, 4-4 दिन उसको लगाते थे, तो उससे मोर्टेलिटी रेशियो कुछ कम हुआ। बहरहाल ये एक यूँ समझ लें कि नेगेटिव पॉइंट है जावा का, जावा के चिक्स सेल्फ होने के टाइम पर मरते हैं, ठीक है जी। और सेकंड एक दो हो गए, एक वो फंगस का हो गया, की हो गया, एक तीसरा पॉइंट और है जिसकी वजह से लोग जावा की तरफ से बददिल होते हैं, ठीक है जी। दूसरा तीसरा एक पॉइंट ये है कि जावा जो है ये टाइम बहुत लेता है, यानी कि हम लोग समझते हैं कि यार जावा जो है फिंच की तरह ही है, लेकिन जावा फिंच की तरह नहीं है भाई, जावा में और फिंच में फ़र्क है, ठीक है ना। ये कम से कम भी इनके ब्रीड पे आने के लिए इसको 7 से 8 महीने चाहिए, तकरीबन 8 महीने तक का जब हो जाता है जावा, 8 या 9 महीने का जब जाके ब्रीड पर आता है, ठीक है, तो वो टाइम काफ़ी लंबा लगता है उस हिसाब से। यानी कि आपको अगर आपने लगाए हैं, आप पट्टे उठाते हो तो 4-5 महीने तो भूल जाओ कि वो ब्रीड करेगा, टाइम डिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, उस टाइम डिस्टेंस की वजह कह लें, या वो एक सिस्टम इसका जो लाइफ साइकिल है उसको समझ लें, तो ये ब्रीड भी उतनी नहीं करता जितना लोगों को लगता है कि यार ये 5 ब्रीडें महीने साल में कर जाता होगा, ये 3 से ज़्यादा ब्रीडें नहीं करता। सख्त सर्दी के अंदर भी इसके बच्चे ठंड की वजह से मरते हैं, और सख्त गर्मी में तो ये ब्रीड ही नहीं करते, जावा खुद ही रुक जाता है ब्रीड से। अगर कहीं पर मौसम बहुत अच्छा दिया गया हो जावा को, बहुत मतलूबा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया उस तरह का आपने दिया, इनको विटामिन अच्छे दे रहे हैं, तब तो ये ब्रीड करता रहेगा, अदरवाइज़ ये ब्रीड खुद ही रोक लेता है। अगर मौसम थोड़ा सा भी ख़राब होता है इसके हिसाब से तो ये ब्रीड नहीं करता, ठीक है। तो उसमें तो आप भूल ही जाएंगे, ये 2-3 महीनों में गर्मी के ब्रीड करेगा, यानी कि जून जुलाई अगस्त में ये ब्रीड ही नहीं करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक इसका एक जो साइकिल है उस सिस्टम में नहीं करता। अब उसकी वजह से यूँ समझ लें कि कुछ टाइम सर्दियों में रुकता है, सर्दियों में लोग रोकते नहीं है, लेकिन उसमें फिर होता ये कि चिक्स मरते हैं, और बंदा इतना एक बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि भाई बात यह है कि अगर आप सर्दियों में भी रोकेंगे तो फिर ब्रीड किस टाइम में लेंगे। 2-3 महीने गर्मियों में रोक लिया, 1 महीना आपने सर्दियों में रोक लिया, तो फिर ब्रीड का टाइम ही क्या बचेगा। तो इस एतबार से जावा ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने देखा है 3 ब्रीडें आप इससे साल में ले सकते हैं। बहुत किसी ने हद मारा, बहुत अच्छी जगह दी हुई है, तो भाई वो 4 ब्रीडें ले लेगा, इससे ज़्यादा जावा से आप ब्रीड नहीं ले सकते। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन एक हिसाब से पॉजिटिव है कि जिस परिंदे की ब्रीड थोड़ी स्लो होती है ना, उसका रेट मेंटेन रहता है, क्योंकि मार्केट में वो उतना भर के आता ही नहीं है, भर के नहीं आता तो भाई वो लोगों को, यानी कि जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो आई थोड़ा थोड़ा रहा होता है, मुश्किल से ऑर्डर पूरे होते हैं, तो वो उसका इतना, जैसे फिंच का होता है, फिंच का ढेर माल आना शुरू हो जाता है मार्केट में, तो इस वजह से भाई उसकी फिर वो मट्टी पलीत हो जाती है। तो ये 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जावा से थोड़ा सा बददिल हैं, बहुत से लोग जावा से निकल भी रहे हैं, क्योंकि जावा बहुत सी मामलात में इतना अच्छा नहीं है, यानी कि दूसरे परिंदों से आप कंपेयर करते हैं तो
तो दूसरे परिंदे जावा से बेहतर लगते हैं। जावा का बस फ़ायदा एक ज़्यादा आसान जो नज़र आता है कि भाई ये एवरी बर्ड है, आप एक ही जगह पर ज़्यादा परिंदे लगा सकते हैं। लेकिन वो भी अब मैंने जैसे कि कल की वीडियो पर अभी दो जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि अब तो वो कंडीशन भी नहीं है कि आप 100 पेयर 150 पेयर वाली एवरी चलाएँ, ठीक है ना। वो भी आपको एवरेज आप छोटी करनी पड़ेगी। बहरहाल ये है कि केज बर्ड से फिर भी आसान है कि आप 15 पेयर का एक जगह दाना पानी कर देते हैं, ठीक है जी। तो व्यूअर्स ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जावा के बारे में, ठीक है। कुछ हमने बतला दिए, कुछ रह गए होंगे आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं मुझे अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का सीन हुआ है, ठीक है। कुछ नेगेटिव है आपको जो लगता है जावा के मुताबिक जो मैं नहीं बता सका तो आप बता सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर लें और बस, ठीक है यार बार बार बोलते हुए अच्छा नहीं लगता सब्सक्रिप्शन का। बहरहाल वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।